बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सअप बॉलीवुड के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हाट्सअप बॉलीवुड। शाहरुख खान इन दिनों काफी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। उनके बड़े बेटे आर्यन खान को एनसीबी की कस्टडी में 7 अक्टूबर 2021 तक के लिए भेज दिया गया है। जब से ये घटना हुई है तब से शाहरुख खान को कई सारे कॉल्स और बहुत सारे टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे हैं इंडस्ट्री में उनके फ्रेंड्स की तरफ से। एक तरफ जहां फेलो बी टाउन स्टार सलमान खान और उनकी बहन अलवीरा एसआरके को अपना सपोर्ट देने उनके घर पर पहुंचे हुए थे, तो वहीं ऐसा लगता है कि शाहरुख खान ये नहीं चाहते कि कोई भी सेलिब्रिटी उनसे वहां पर मिलने पहुंचे। रिपोर्ट्स की माने तो शाहरुख खान नहीं चाहते कि लोग उनसे मिलने पहुंचे, क्योंकि फिर मीडिया उन लोगों को भी कवर करेगी और आर्यन खान के ड्रग केस के बारे में और भी ज्यादा बातें होंगी। रिपोर्ट्स की माने तो दीपिका पादुकोण, काजोल, डायरेक्टर करण जौहर, रोहित शेट्टी के अलावा कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज शाहरुख खान से फोन पर ही बात कर रहे हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट की माने तो शाहरुख खान की टीम ने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को एक मैसेज भेजा है जिसमें ये कहा गया है कि वो उनके घर मन्नत ना आए, क्योंकि इस तरह से पेपराजी उनके घर के बाहर है तो सिक्योरिटी बहुत ही मुश्किल में पड़ जाएगी। कई सारे बॉलीवुड स्टार्स ने इस बात को लेकर सस्पिशन जताया है कि आखिर एनसीबी स्टार किड को क्यों अरेस्ट करेगी। एक तरफ ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान ने इस इंसिडेंट को अनफॉर्चुनेट कहा है, तो वहीं हंसल मेहता ने इसे डिसरिस्पेक्टफुल और अनफेयर कहा है। कई सारे स्टार्स ने और पॉलिटिशियंस ने सोशल मीडिया पर शाहरुख खान को सपोर्ट भी किया है। बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह ने तो अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट शेयर करते हुए एनसीबी के इरादों पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉर्डेलिया क्रूजेस, आई विश आई कुड हैव विजिटेड, आई हर्ड लॉट्स ऑफ पीपल वर देयर बट आई कुडंट सी एनीवन एल्स एक्सेप्ट आर्यन खान। इतने बड़े क्रूज में सिर्फ आर्यन ही घूम रहा था क्या, हद है। गुड मॉर्निंग, हैव अ वंडरफुल डे। आपको बता दें, एनसीबी पर कई लोग इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में समीर वानखेड़े ने ई टाइम से बात करते हुए कहा, हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हमें किसी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है। हमने पिछले 10 महीने में 300 से भी ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया है, उनमें से ज्यादा 4-5 लोग ही नोन लोग हैं। अब ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि हम किसी को टारगेट कर रहे हैं। हमने जितने भी अरेस्ट किए हैं पिछले एक साल में वो हार्ड कोर ड्रग रिलेटेड क्रिमिनल्स हैं। वेल, इस पूरी खबर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट्स में हमें बताइए, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए व्हाट्सअप बॉलीवुड।